उठ गए, नींद पूरी हो गई आपकी, आँख खुल गई बहन के भोसड़े। 2 बज रहे हैं दोपहरिया के, अब तेरी आंखों में से चिपल हट रहे हैं। तेरे बाप का नौकर हूँ, सारा काम मैं ही करूँगा। अरे यार नींद बहुत गहरी आ गई, मुझे होश ना रहा, सो के मैं कब पढ़ाऊँ। अच्छा तो तुझे होश ना रहा, तू बेटे आज रात को भी ऐसी सोइए मदहोशी में, तेरी ऐसी गांड मारूंगा ना तो जिंदगी भर आगे खोल के सोगा। चल कल से उठ जाऊंगा यार, जल्दी चाय बनाई क्या? चीनी खत्म पड़ी है तो कहाँ से बनेगी चाय। तो चल मैं अंडे का ऑमलेट बना लेता हूँ। तेरे बाप अंडे दे गए होंगे, जो ऑमलेट बना लेगा। अंडे कहाँ से आए अपने पास? तो आ एक काम करते हैं, आलू के पराठे बना लेते हैं। गैस खत्म पड़ा। अबे यहाँ पे कुछ खाने के लिए है भी है ना? फ्रूट्स में है कुछ, एक केला और 2 आलू। ला चल वही खिलवा दे फिर। आजा खा ले रखा। ये उल्टी हरकत मुझसे मत करे कर बे तू। अब चिल्ला लग रही है, उल्टी हरकतें दिख रही है। भाड़ू जल्दी कपड़े पहन ले, मैं भी आ रही हूँ, मेरे भी कपड़े निकाल, बुकिंग आई है वहाँ चलना। क्या गाड़ी चला रही है कछुए की तरह रेंग रेंग के? इसे थोड़ी तेज भी चला ले। क्यों भैया तेरी अम्मी भाग गई क्या? या तेरी बहन भाग गई? नहीं यार, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है मुझसे? तो तेज की चलवा रही है साले कीटाणु। या इसे तू फरारी समझ रही है जो 200 की स्पीड पे पार कर दूं? साले अगर इसकी 200 से मैंने 80 की स्पीड कर दी ना, अल्ट बोल जाएगी ये गाड़ी, कंधे पे रख के ले जानी पड़ेगी कंधे पे। मैं तो यूँ कह रही हूँ यार, वहाँ पे जल्दी में पहुँचना हमें, और धूप देख कितनी तेज पड़ रही है, मैं काला पड़ जाऊंगा। तुझे क्या पता मैं अपने बाप का चांद हूँ। ओहो बाप का चांद, साले सही से देख अपने आप को आईने में, बाप का चांद ना बाप का आंडा तू। अच्छा चल ये सब छोड़ यार, सुबह का नाश्ता पानी तो करवाई दे, कुछ भी ना खाया यार। नाश्ता पानी? तेरी जैसी सकाल तुझे कोई पानी ना पिलावे बेटे, नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। मैंने तुझे अपने पास रखा, यही बहुत बड़ी बात है। तेरी यही बातें बहुत बुरी लगती है मुझे। कम से कम चाय तो पिलवा ही दे यार, और तो अपने दोस्त को चाय पिलवाएगा ना तो तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तेरा नाम होगा। अगर स्टैंडर्ड की बात है, नाम बढ़ाने की बात है तो पिलवा दूंगा चल चाय। स्टैंडर्ड के मामले में मैंने बहुत पैसा खर्च करा आज तक, हिसाब ना लगाता हूँ, लेकिन बस चाय चाय पिलवाऊंगा। और भजी तो मत करिए। छोटो अपने ढाबे की सबसे स्पेशल वाली तो चाय लगा, मलाई मार के मजा आ जाना चाहिए। 10-10 वाली शानदार, और मलाई वाली चाय वो भी 10-10 रुपल्ली की है। भाई तुम्हें तमीज ना बोलने की, किसी को कुछ कह दो छोटू मोटू, या घर वालों ने इज्जत करनी नहीं सिखाई है किसी की? नहीं यार घर वालों ने तो इज्जत करनी सिखाई है, लेकिन तुझ जैसे झाटो की भी करनी है ये नहीं बताया था। क्यों भाई? चाय के नाम पे गधे का मूत पिला रही है, दूध तो है ही नहीं इसके अंदर। 10 रुपल्ली की चाय में इतना ही दूध मिलेगा? और आज ज्यादा शौक उठ रहा ना तुझे दूध पीने का, तो भैंस के तनाव मुंह लगा दे आगे, उसका दूध पी लिए। भैंस का मुझे हजम ना होता, अपनी बहू का पिलवावा तो बता। ऐसा रैप्टा मारूंगा पसीना और मूत मिक्स हो जाएगा, उसमें बोल ले। अच्छा वही तू मेरे रैप्टा मारेगा, चल मार के दिखा। Yeah.
भूतनी केने बड़ी भर के मारा लेकिन विनोद से पंगा गलत ले लिया गया ही। क्या साले मेंढा तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या कह रही हूँ? तेरे सामने इनने मुझे मारा और तू बैठा हुआ देख रिया, इसे मार वरना अभी तेरा साथ छोड़ दूंगा यहाँ के यहीं। वो भाई ये अभी साथ छोड़ दे चाहे तू मेरा, तू ये देख ना रिया कितना पूरा मारा है इसने, मेरा तो सुअर बना देगा। मैं पड़ी ले रिया और चाहे तुझे बुरी लग रही भाई साहब चाय बड़ी अच्छी वो तो बहुत बढ़िया चाय लग रही है, बाकी इससे पूछ लो। भाई साहब ऐसी बात ना, चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने तो यूँ थूक दी कि इसे पसंद ना आवे कभी, इस चक्कर में थूक भी पड़ गई, मुझे तो बहुत अच्छी चाय लग रही है, देखो मैं पीऊँ अभी। एक नंबर चाय है भाई साहब, टन टन 10-12 और पीता लेकिन जल्दी में जा रही हूँ। चल भैया आ भैया पैसे तो दिए ही ना। पैसे तुझे लगता है यार पैसे भी मांगेगा? बेटे इस तरह से पिटाऊ ना मैं, जान पूछ के पिटाऊ, वरना तो इसके ही पूछ बढ़ देता, पर गरीब है यार, इस पर हाथ छोड़ने का मेरा दिल ना हुआ। अब अगर ये पैसे भी मांगे तो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी, ढाबे के साथ इसमें भी आग लगा दूंगा यही, अगर इनने पैसों का नाम ले लिया तो। आ गाड़ी में चाय के पैसे तो दे जा। अरे हाँ आपके चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। ये लो भाई साहब 20 रुपए। 40 रुपए? 40 भाई साहब 20, 10-10 वाली दो चाय तो लगवाई है मैंने, ध्यान से सोचो। 20 का पाले जी खाया उसने। ये लो ठीक है। हाँ जी सुभान भाई आप ही है, टैक्सी बुक करी थी? हाँ हाँ कौन है भाई साहब? बीबी है मेरी। सच बताओ यार झूठ बोल लो। अबे भैया बीबी है मेरी। अरे नहीं यार तुम्हारी शक्ल लंगूर की गाल की तरह काली और ये रसियन माल बीबी कैसे हो जाएगी? सच बताओ रंडी है ना, अंग में लेंगे यार। अबे जब तुमने कह दिया कि बीबी है मेरी, बीबी है मेरी तो क्यों ना मानता? नहीं नहीं शादी के साथ हो सकता है मोटे के साथ। और तू टैक्सी ड्राइवर है अपनी औकात मरे, ये लैगेज उठा चल कौन से होटल चलना। विनोद एक काम कर तू गाड़ी चला, भाई सब तुम आगे बैठो, भाभी और मैं पीछे बैठते हैं। आ जाओ जी यही है होटल अपना। भाई
तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके रूम की बात करके आता हूँ कितने रुपए का, क्योंकि तुम यहाँ पे नए हो, मैं यहीं गई हूँ, तुम्हारा फालतू पैसा खर्च नहीं होने दूंगा कहीं भी, मैं घुमाऊंगा सब जगह तुम्हें, पूरे ट्रिप पे मैं साथ रहूंगा, सही है? रुके रहो विनोद, तू के चक्कर में पड़ लिया, तू के इनके बाप का नौकर है, इन्होंने हमारी टैक्सी बुक करी थी होटल तक छोड़ने के लिए, हमने छोड़ दिया, बात खत्म, किसी का भला मत सोचे। तुझे मेरी सूरत देख के लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी का भला सोचूंगा? अबे थोड़ा सबर कर ले, देखता जा कैसे इनके पैसों की बेंच उठवाऊंगा। 2-3 हजार का रूम होगा अंदर, 10 हजार का आके बताऊंगा इन्हें, 7 हजार रुपए की लग रही है आ तो आ, अगर 3-4 दिन इस होटल में रुक गए ना ये 20 हजार रुपये तो यहीं से कमा लेंगे। तू अपना दिमाग मत लगा, तेरे अंदर इतना दिमाग ना जितना लगा रही है। तेरा दिमाग तारीफ मत करो। अजय भाई साहब एक रूम चाहिए बहुत शानदार वाला, रेट बताओ कितने का? तेरी अंदर घुसने की औकात नहीं, और तू आलीशान होटल में रूम मांगने की बात कर रहा, हा टीचर बाहर निकल। बोल तू तो ऐसा कर रही है तेरे बाप का होटल हो, हाथी के भोसड़े, तू भी नौकरी है। ओ गाली मत दे, तमीज में बात कर। तो बेटे तू भी तमीज में बात कर, रहरा गहरा समझ लिया मुझे। ओ गाली मत दे, तमीज में बात कर। तो बेटे तू भी तमीज में बात कर, रहरा गहरा समझ लिया मुझे। 55 टैक्सी चल रही है, 70-80 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तुझ जैसे को रोड टपक ला सकता हूँ। मैं अपने लिए रूम लेने नहीं आया हूँ, टूरिस्ट लाया हूँ अपने साथ, वो रूम लेंगे। रेट बता कितने का? 3 हजार रुपए का। देख मेरे लिए तो 10 हजार का रूम भी महंगा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट जो आए हैं यार वो थोड़ा मिडिल फैमिलीज हैं, तो जरा कर ले 2 हजार रुपए में डन कर देते हैं। वो बेचारे नए नए शादी करके घूमने आए, हनीमून परीमून क्या हो वो चौदम पट्टी। चल ठीक है दिया, 2 हजार में जा। शुक्रिया बहुत बहुत, डन कर दिया जी। 15 हजार रुपए का रूम है, 1 रुपया कम नहीं कर लिया था। खूब झिकझिकबाजी करी, चेचे मैमे करके होटल के मालिक को रिश्तेदार बताया अपना मैंने, तब जाके 12 हजार रुपए में डन करा। 12 हजार कैसे डन कर दिया? पैसे तू देगा या मैं दूंगा? ना भैया ना, मैं खुद जाऊंगा और रूम बुक कर आऊंगा। एक काम कर लो, 10 हजार रुपए में डन कर दो। ना मैं खुद बात करके आऊंगा। चलो 8 हजार में डन कर लो यार, अब तो पूरा ही फायदा हो गया, 12 हजार का था 8 में हो रहा, 4 हजार रुपए तो यही बच गए। क्या बात करने जा रहे हो? अबे चुप बे, मैं खुद बात करके आऊंगा, और तुझसे क्या मतलब? हाजिर भाई साहब, टैक्सी ड्राइवर को रूम कितने रुपए का बताया आपने? अभी बताया तो है 2 हजार का, इससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं। रूम तो 2 हजार का मिल गया। देखो भाई साहब मेरी कोई गलती ना, इसकी गलती है, इससे मैंने मना करी थी ये काम, मुझसे मत करा दलाली का, मेरे बस की बात ना, लेकिन जाट मानता नहीं है, उल्टे सीधे काम करा के मेरी बेइज्जती करा दी ना करा दी। ये तो चल अपने, कोई गैर होता तो मेरे रैपटा भी मार देता। चल भाई साहब का लैगेज वैगेज उठा, 2 हजार रुपए में कितना बढ़िया होटल हो गया। चल आ जाओ, आओ मैडम आ जाओ। चोर साला। यार मुझे अब भी यकीन नहीं हो रही है इतने VIP होटल में हमें। विनोद स्विमिंग पूल, इसे तो देखते मेरा नहाने का मन करने लगा। मन तो यार मेरा भी करने लगा, लेकिन यार इसमें नहा नहीं सकते, हमने कोई रूम थोड़ी ले लिया यहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर ही तो है, क्या पता कोई चेक चार्ज जा। अरे नहीं यार तू इस बात की टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ तेरे साथ कोई तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। आ नहाएंगे। Yeah.
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूल में कूदने की सालो गंदे? अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रख ले, जान पूछ के इस पूल में ना कूदा। बनाने का कोई शौक ना मुझे, मेरे 12 माउस पे तो खुद 3 पूल बने पड़े, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, बुड्ढों के नहाने का अलग। तेरे पास 12 माउस भी है? हाँ, 3-3 स्विमिंग पूल के साथ नल भी है, अगर किसी का मन करे नल के नीचे नहाने का तो उस पर नहा ले। अबे ये तो मेरी मजबूरी है, इस पर कूदना पड़ गया मुझे। ये यहाँ पे खड़ा है, इसका पैर फिसल गया तो ये डूबने लगा, इसे बचाने के लिए कूदा हूँ मैं। अच्छा, जब इसका पैर फिसला तो ये नंगा था और तू इसे बचाने कूदा, तू भी नंगा था। जितना चूतिया तू शक्ल से दिखता है ना, उससे बड़ा चूतिया तू असली में है। यहाँ सब जगह CCTV कैमरे लग रहे हैं। साले झट, बेइज्जती करवाता मेरी हर जगह। पूल में ना आगा, पूल में ना आगा, मना कर रही है इससे मैं। पूल में मत घुस ऐसे किसी के, ना यही ना आगा पूल में, ले मेरे मुंह तो नहा ले। चलो भाई साहब, इसकी गलती हो गई, अब डांट दूंगा मैं। और चला बाहर को। हाँ बाहर उतरेगा। यार गरीब आदमी भी ना एक बाजी की तरह है, साला कोई भी आके बजा के चला जाता। हाँ यार सही कह रही, और ऊपर से ये टूरिस्ट हमें इतना खस्तीस मिल गया, साले ने होटल में भी दलाली नवान ने दी। लेकिन एक काम करते हैं ना, इससे एक्टिविटी करने को पूछते हैं। जब घूमने आया, बीबी के साथ आया तो एक्टिविटी तो जरूर करेगा कोई ना कोई से। पूछता हूँ, उस पर मान लेंगे इसकी। हाँ दे पूछ का। हाजी भैया, कोई एक्टिविटी करवा दूँ? ना भैया, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। अरे यार क्या पैसों का हिसाब लगा रहे हो, नदी में घुमा दूँ, आओ बोटिंग करा दूँ तुम्हें। ना भैया, हमें नदी में मेरी टहल ला, उसमें भी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। या पैराग्लाइडिंग कर लो, 32 मंजिल से पैराग्लाइडिंग कराते हैं, आसमान में लहरोगे तुम भी, भाभी भी, मजा आ जाएगा। ना ना, उसमें भी बहुत खर्चा है, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अरे तो फिर जंगल सफारी कर लो यार, घूमने आए हो तो कुछ तो करो, जंगल सफारी कर लो। अबे भैया, तुझसे कह दिया कि पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, ना करना हमें कुछ भी। जब पैसे खर्च ना करने थे तो घूमने के बारे लंड के लिए आए। ओफो यार विवेक, एक नंबर का खसी से। ये तो सही कह रही तू, हर बात में यूँ कह रही पैसा खर्च होगा। अबे घूमने ही क्यों आया है, पैसा खर्च नहीं करना? तो मैं तो उससे पहले ही कह रही हूँ। यार ये कभी अकेला भी निकलता है, ये ऑल टाइम इतनी फौज को लेके चलता, पता ना यार। खैर हमें क्या करना है, कुछ इंतजाम कराओ हमारे लिए। अच्छा इंतजाम करना है, बताओ किस चीज का इंतजाम करना है। लड़की वड़की का जुगाड़ हो जाएगा या ना। वो भैया कैसी उल्टी सीधी बातें कर दिया मुझसे, अपनी बहू के साथ आया, थोड़ी शर्म कर ले। मेरा वो मतलब नहीं था, डांस वांस का प्रोग्राम हो जाता, शराब बराब पी लेते हम भी थोड़ी। अबे तू बावला कैसे, या ये काम ना होता। अरे यार पैसे ले लियो 10,000 रुपए। अबे पैसे की दोस्त किसे दिखा रही, जब तुझसे कह दिया ये काम यहाँ पे ना होता तो ना होता। चलो तो 20,000 ले लियो। अबे तू बावला हो गया कैसे, तुझसे मना कर दी ना होगा ये काम यहाँ पे। क्या हुआ विवेक, क्यों चीख रही है? यूँ कह रहे हैं लड़कियों का इंतजाम करवा दे, नाच गाना करवा दे, 20,000 रुपए दूंगा। मैंने मना कर दी, मगर आज के बाद ये वाली बातें मत कर लेना मुझसे। 20,000 रुपए तो बाहर तूने क्यों मना करी, तेरी ज्यादा जवान चल रही है, यही सुअर बना दूंगा तेरा। ये मेहमान है हमारे, जो ये कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। तुम पैसे तो भाई साहब आज 11 बजे मजा दिलवा देंगे तुम्हें। पैसे ले लिए, लोंडिये कहाँ हमारे पास, कहाँ से करेंगे इंतजाम,
समझ ले इंतजाम हो। अरे भाई हमारी बीबी का मूड हो रहा है जंगल सफारी करने का, करा के लाओ यार। अरे यार मैं तो तुमसे खुद भी कह रही हूँ, चलो आओ बहुत शानदार वाली जंगल सफारी करा के लाऊंगा, आओ। देख रही हूँ जब मैंने कही थी तो कह रही पैसा खर्च होगा, अब बहू ने कह दी तो तुरंत तैयार है चलने के लिए। ये होता है बीबी का जलवा। यार मजाक होगा, मजाक। ओ भैया ओ, थोड़ा हल्का हाथ, तुम्हारे मजे के चक्कर में इधर भी नेटवर्क फुल आ गए। गाड़ी रोक भी, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। सामने देखो कैसे बंदर लटका हुआ पेड़ पे। अबे ओ, पैसा खर्च करा जंगल सफारी के लिए, ये क्या बंदर संदर दिखा रही है? बंदर तो मैं अपने घर भी देखता रहूं। हाँ ये भी है, शीशे में खुद को तो देख ही लेते होगे। सही तो कह रहे हैं ये, क्या दिखा रहे हो ये तुम? दिखाना तो खतरनाक चीज दिखाओ। खतरनाक चीज भी दिखा दूंगा, मिलो तो सही अकेले में। अबे ओ, रैप्टर सूद दूंगा, गंदी निगाह मत डाले, ढंग का जानवर दिखा दे। अरे विनोद एक काम करना, इन्हें भालू दिखा दे। अबे तुझे तो रोज देख ही रही है, कोई नया जानवर दिखाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ा। आओ मगरमच्छ दिखाऊं तुम्हें नदी के अंदर। ऐसे तो आपकी गाड़ी का कई बार आ गया होगा। हाँ कई बार आ गया, अपना तो आमना सामना होता रहता है ना शेर से। अच्छा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? डर? चलो अब शेर की बात आ गई तो तुम्हें वही वाली बात बता देता हूँ मैं। एक बार की बात है, फोरनर आए हुए थे मेरी गाड़ी में घूमने दिल्ली से। जैसी मैंने गाड़ी जंगल में डाली सफारी कराने, उन्हें शेर मेरी गाड़ी के आगे आ गया। अब मैं खूब हॉर्न बजा रही हूँ, पीप 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 पीप, हट ही नहीं रही आगे से। मेरा मूड खराब, मैं उतरा, उतर के जो शेर के पीछे को जाए गाड़ में उलिख कर ही है नीचे गाड़, भग गया तुरंत वहां से। उसके बाद जब भी मिलता मुझे सबसे पहले अपनी गाड़ मींच के भागता। तुम तो बहुत खतरनाक हो यार। ऐसे ही हूँ मैं, मुझे डर पड़ने लगता, बहुत दूर भाग गया मुझसे डर। वो शेर भेड़ तो यार ये जानवर है मामूली, तुम इतने पानी में देखो, मैं जरा मुंह धोऊं। तुम तो सारा जानवर की आवाज निकाल सकते हो। हाँ देखो शेर की निकाल के दिखाता हूँ। अबे बड़ी लंबी लंबी फेंक दिया तू तो, कि शेर से मैं न डरता हूँ, शेर मुझसे डरे। शेर की आवाज मैंने निकाली थी, डर के इतनी तेज भागा कि हमें भी छोड़ आया वहाँ पे। अरे तो मैं डरा थोड़ी हूँ, मैं तो जंगल में देखने गया एकदम से कि शेर है कहाँ, ढूंढता फिर रिया उसे। अगर मिल जाता शेर साले पे कोनी कोनी पेड़ तो। अंधा है क्या, देख के गाड़ी नहीं चलती, हटे से। बहुत देख के ही गाड़ी चलाई है तभी तो तेरे आगे लगाई है। ये गाड़ी नहीं हटेगी। वे साले दो गोड़ी के टैक्सी ड्राइवर, जान से प्यार नहीं है तुझे अपनी? तो जानता है मैं कौन हूँ, चुपचाप ये गाड़ी हटा। सब जानता हूँ तू कौन है, क्या कर सकता है, कितनी तेरी पावर है।
ओ, मतलब सब कुछ जानता है तू मेरे बारे में, लेकिन एक चीज नहीं जानता, अगर मेरे दिमाग की सेट की तो तुम दोनों की यही खोपड़ी खोल सकता हूँ मैं। अबे चुप, बहन के लोड़े, कब से कुत्ते की तरह भौंके जा रहा, बक 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 बक, ये हूँ वो हूँ, क्या तू जानता है हम लोग कौन है? हाँ जानता हूँ, इस फटीचर टैक्सी का ड्राइवर है तू। टैक्सी ड्राइवर नहीं, मैं हूँ रो एजेंट रवि कुशवा। और मैं रो एजेंट अमित यादव। तू जानता है अब तक हम टैक्सी ड्राइवर बन के क्यों घूम रहे थे? ताकि हमें वो मौका मिल सके जिस समय तू हमें अकेला मिलेगा। आज वो मौका मेरे पास है, तू गया। तुझे जेल की सलाखें याद कर रही है? चल, तूने बहुत ड्रग्स की स्मगलिंग कर ली, अब तू ये जो करना है जेल में करना, चुपचाप हमारे साथ चल। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, पर अफसोस पकड़ नहीं पाओगे। तक भागेगा बेचारा। मिशन कंप्लीट, आई एम कमिंग। एजेंट है, टैक्सी ड्राइवर नहीं है। वेल डन बॉयज, वी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत सही किया तुमने इसका एनकाउंटर करके, इसने नाक में दम कर रखा था, अगर तुम सही वक्त पर इसे ना रोकते तो इसका ट्रक्स पूरे शहर को दीमक की तरह खोखला कर देता। जब तक हम जैसे ऑफिसर हैं सर, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। वैसे मिस्टर रवि, मुझे तुम्हारा काम करने का स्टाइल बहुत पसंद आया और तुम्हारी प्लानिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, इसीलिए मैंने मिशन करने का अपना तरीका बिल्कुल अलग कर रखा है। आम लोग तो बहुत दूर, डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं रो एजेंट हूँ। और बाकी हमें मिशन से मतलब होता है, कैसे करें क्या करें ये बात कोई मैटर नहीं करती। और सर आप भी ये बात जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अगर मिशन करते हुए किसी को ये पता चला कि मैं रो एजेंट हूँ तो रो भी हमें पहचानने से इनकार कर देगा। हाँ ये तो है, अगर तुम किसी मिशन में पकड़े जा या तुम्हें कुछ होता है तो रो भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन रवि, तुमने एक बड़े पेड़ की छोटी सी डाल को काटा है, पेड़ को नहीं, इस ड्रग्स और गोल्ड के इलीगल धंधे का गॉडफादर कोई और ही है। अगर केस रवि और अमित के हाथ में आ गया तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, इसलिए मिशन में तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने बड़े खतरे से टकराने वाले हो। जानते हो इस ड्रग्स और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कौन है? विक्रांत रेड्डी। वीडियो गई खत्म, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक किसी और टॉपिक पे वीडियो आती है तब तक के लिए बाय। हाँ बाल सवाल मोर बाल मा अंगना दे लगवाए कुएं से पानी।